Hello guys, welcome to Next Gen Study, and in today's video we'll be discussing on the topic tandem sign injuria. Before we begin with our topic, first let us understand the terminology used in the magazine, which are damnum, injuria and sign. Damnum means a substantial harm, loss or damage with respect to money and health. Injuria refers to an infringement of a right. Sign means without. Now that we have understood about the words, meaning of the words damnum, sign and injuria, let us understand the meaning of this legal maxim. It refers as to damages without injury or damages in which there is no infringement of any legal right which are vested with the plaintiff. Iska general principle ye hai ki agar koi insaan apne common rights ko limits mein reh ke और बिना किसी दूसरे इंसान की लीगल राइट को डैमेज किए हुए एक्सरसाइज करता है तो इस केस में कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा इन फेवर ऑफ दैट अदर पर्सन इवन इफ द लॉसेस आर सब्सटेंशियल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉस. अलग केस जो हम आज पढ़ेंगे इस ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल, ये 1410 का केस है. तो इसमें हुआ ये था कि एक स्कूल मास्टर ने प्लेंटिफ के स्कूल के सामने ही एक राइवल स्कूल खोल दी थी एंड उसने अपनी फीस कम रखी थी, ड्यू टू विच प्लेंटिव के स्कूल के बहुत सारे लड़के जाके उसके स्कूल में पढ़ने लगे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस द कॉम्पिटिशन अरोज एंड प्लेंटिफ को अपना फीस रिड्यूस करना पड़ा फ्रॉम 40 पेंस टू 12. अब उसको मॉनिटरी लॉस हुआ, सो ही क्लेम्ड फॉर एक्शन फॉर द लॉसेस ही सफर्ड. अब इसमें हेल्ड यह हुआ था कि प्लेंटिफ विल हैव नो रेमेडी अंडर टॉर्ट फॉर द लॉसेस सफर्ड, दो द एक्ट माइंड बी मॉरली रॉन्ग, बट उसको प्लेंटिफ का कोई भी लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ था. एंड जो दूसरा स्कूल मास्टर था, द डिफेंडेंट, ही वॉज जस्ट एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स. और जो अगला केस हम पढ़ेंगे वो है जैस्मो वर्सेस रिचर्ड्स, ये 1859 का केस है. तो इसमें उसके फैक्ट्स ऐसे थे कि प्लेंटिफ जो था वो एक मिल का ओनर था एंड उस मिल के पर्पस से वो एक वाटर स्ट्रीम से बहुत टाइम से पानी ले रहा था. तो एक दिन डिफेंडेंट ने अपनी खुद के लैंड पे एक कुआं खोदा जिससे अंडरग्राउंड जो वाटर सप्लाई थी वो कम हो गई उस स्ट्रीम से, जिसके कारण प्लेंटिफ के मिल में पानी जाना कम हो गया एंड प्लेंटिफ हैड टू सब्सिक्वेंटली क्लोज हिज मिल. अब इस जब उसका मिल क्लोज हुआ तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू किया फॉर डैमेजेस. इस केस में डिफेंडेंट वॉज नॉट हेल्ड लायबल बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया. अब प्लेंटिफ अपना सिर्फ प्लेंटिफ को डैमेजेस हुआ बट उसकी कोई ऐसी लीगल राइट इन्फ्रेंस नहीं हुई, तो इसलिए ही कुडेंट गेट द कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस विच ही फेस्ड. The last case at which we'll be looking at for today is Usha Burn versus Bhagya Lakshmi Chitra Mandir. ये AIR 1978 का केस है. तो इसमें जो प्लेंटिफ थे दैट इज उषा बैन, उन्होंने कोर्ट के सामने ये प्ली डाली थी कि जय संतोषी माँ नामक एक फर्म है उसके अगेंस्ट एक इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया जाए. तो लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि इंजंक्शन ऑर्डर होता क्या है एंड देन विल गेट बैक टू द केस. तो इंजंक्शन कोई भी एक ऐसा जुडिशियल ऑर्डर होता है जो किसी एक इंसान को रिस्ट्रेन कर देता है कोई भी ऐसा काम चालू करने से या फिर कंटिन्यू करने से जिससे किसी दूसरे इंसान की लीगल राइट इनवेड होती हो. नाउ गेटिंग बैक टू द केस, अकॉर्डिंग टू उषा बैन जो फिल्म थे जय संतोषी माँ उससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे. अब कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिड नॉट रिजल्ट इन एनी लीगल इंजरी, हर्टिंग ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिड नॉट रिजल्ट इन एनी लीगल इंजरी एंड ऑल्सो उषा बहन के अलावा किसी और इंसान की ऐसी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई थी. देयरफॉर द डिफेंडेंट वॉज नॉट हेल्ड लायबल इन दिस केस. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. एंड फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हम ये सारी PPTs जिससे भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं. सो इफ़ यू वांट एक्सेस टू देम डू फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ nextgen_study एंड क्लिक द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. थैंक यू.